अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आज बनाऊंगी लौकी का पराठा, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही सिंपल होगा, बस सिर्फ 10 मिनट बन जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो लौकी का पराठा बनाने के लिए मैंने ले ली थी एक लौकी बड़ी साइज़ की। इसको तो अच्छे से मैं धो के कद्दूकस कर ली हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोथमीर बारीक कटी हुई। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी चटनी। चटनी में लहसुन मिर्ची जीरा मैं बिना पानी के पीसी थी। इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। और एक साइड में आटे को पहले ही से गून के रख ली थी। इस तरीके से आटा भी हमारा एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट है। उसके बाद जो हम ये और जो हम लौकी की स्टफिंग बनाए उसको साइड में रख देंगे। फिर लेंगे हम लोही, जिस तरीके से हम रोटी बनाते पराठा बनाते उस तरीके से हम इसको बेल लेंगे छोटी सी। फिर इसके अंदर मैं स्टफिंग भर दूंगी। बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं भरेंगे, बहुत कम भी नहीं भरेंगे, मीडियम भरेंगे, ताकि जो पराठा है बेलने के टाइम वो फटे ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और एकदम हल्के बेलन चला चला के हम इसको रोटी को बेल लेंगे, एकदम हल्के बेलन से, ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। और मैं तवा गर्म होने के लिए रख दी थी। अब मैं इसको दोनों साइड से एकदम अच्छे से सेक लूँगी, एकदम गोल्डन सा। और मेरे ये लौकी का मज़ेदार पराठा बनकर तैयार है। आई होप आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।